इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 6 में आप सभी का स्वागत है और साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ नया। पिछले वीडियो में आपने ये तो समझ लिया था कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है वो या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। सिंगुलर भी होता है तो पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है आई। कोई आपसे पूछे आई कैसा सब्जेक्ट है तो आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, सिंगुलर तो है ही, आई का मतलब मैं एक ही हूँ। आई का क्या मतलब होता है? खुद को जब आप डिनोट करते हैं तो आई बोलते हैं। अच्छा, वी मतलब हम, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन है यू। अच्छा, यू का कोई सिंगुलर वर्जन नहीं है, यू को हमेशा ही प्लूरल ट्रीट किया जाता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि सेकंड पर्सन सब्जेक्ट कौन है तो आप कहेंगे यू, और पूछे सेकंड पर्सन का प्लूरल कौन है तो वो भी यू। सिंगुलर होता ही नहीं है, मैं यानी आई, हम, वी और यू होगा तो तू, तुम, आप, है ना। तो मैं, हम या तू, तुम, आप, इनको छोड़कर बाकी जो भी है वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अगर वो एक है या एक के बारे में बता रहे हैं तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, दिस, दैट, ईट। और जितना भी एक से ज्यादा को बता रहा है, जैसे कि दे, दीज, दोज। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी नाउन का मतलब है नाम, जैसे कि अमित, हरिद्वार, ये सब किसी एक जगह या एक ही व्यक्ति का नाम है। ये सभी कहलाते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा है वो है प्लूरल नाउन, जैसे कि पेंस, एक से ज्यादा चीजें के नाम। फिर है अमित एंड सुमित, एक से ज्यादा व्यक्ति के नाम है। तो ये सभी है प्लूरल नाउन। अब देखिए सिंगुलर प्रोनाउन। अच्छा, आप जानते हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, दीज, इट, दोज, दे, ये सभी प्रोनाउन हैं, यानी सर्वनाम, जो कि संज्ञा की जगह पे आते हैं। उसी तरह से जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन हैं, जैसे कि वन, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीवन, नथिंग, एनीथिंग, ये जितने भी है ये सभी क्या कहलाएंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब आप इंग्लिश बोलेंगे तब आप सही इंग्लिश बोले, इसके लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं ग्रामर की डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं उतना आपको बताऊंगी जितना आपके लिए जरूरी है। और जितने भी प्लूरल प्रोनाउन है वो सभी थर्ड पर्सन के प्लूरल। अच्छा, ये बातें बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स 3 कैटेगरीज में होती हैं, बी वर्ब,
डू वर्ब एंड हैव वर्ब्स। लास्ट वीडियो में बताई थी प्रेजेंट की बी वर्ब्स कौन सी है, इज एम आर, आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, है ना। फ्यूचर की बी वर्ब्स विल बी, इसी तरह प्रेजेंट की डू वर्ब है डू डज, पास्ट की डू वर्ब डिड, फ्यूचर की डू वर्ब विल डू, फिर उसी तरह से प्रेजेंट की हैव, हैव वर्ब, हैज हैव, पास्ट की हैड और फ्यूचर की विल है। तो अब मैं बात करती हूँ इज एम आर, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। अगर आपको नहीं पता है तो नोट करना है ना, और हमेशा याद भी करना है। इज का यूज हमेशा 3S, देखिए मैं यहाँ लिखी हूँ, आप देख सकते हो इज एम आर के नीचे 3S का मतलब है थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको इज एम आर किसी में से एक को चुनना है ना, किसी में से एक को चूज करना होगा तो इज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में होगा। अच्छा, एम का यूज कहाँ पर होता है, आई के साथ। आर का यूज कहाँ पे होता है, अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ साथ में इज का यूज हो गया आई के साथ एम, बाकी जितना भी बचा हुआ है इन सब के साथ आर का यूज होगा। मीन्स जहां पर भी प्लूरल सब्जेक्ट है सबके साथ आर का यूज होगा। अब चलते हैं पास्ट में, देखिए वाज का यूज जितने भी सिंगुलर हैं इन सभी के साथ वाज, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ में वेयर। फ्यूचर की तीनों वर्ब्स ऐसी हैं जो सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ प्रोनाउन ऐसे भी हैं जैसे ऑल, सम, मोर, नन, ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है और प्लूरल की तरह भी। ओके, एग्जाम्पल जैसे देखिए ऑल इज वेल, ओके, यहाँ पे ऑल के साथ इज का यूज हो रहा है। फिर अगला एग्जाम्पल और एक मैंने लिखा है, देखिए लिखी हूँ ऑल आर वेटिंग, यहाँ पे आर के साथ भी ऑल का यूज हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स सिंगुलर प्रोनाउन के। पहला है वन, यानी एक या हर कोई, या बोल सकते हो हर किसी को। इनके एग्जाम्पल्स देखिए, वन इज हियर, वन इज इन द पार्क, एक यहाँ है और एक पार्क में है। वन शुड रेस्पेक्ट एवरी पर्सन, हर किसी को, हर एक व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। वन बॉय इज हाइडिंग इन द किचन, एक बॉय, एक लड़का किचन में छुपा हुआ है। वन नीड्स लव मोर देन पैसा, हर किसी को क्या चाहिए होता है, पैसे से ज्यादा प्यार चाहिए होता है ना, हम सभी चाहते हैं लव मोर देन पैसा। फिर अगला एग्जाम्पल ईच से देखिए, ईच यानी दो या दो से ज्यादा में से हर एक। ईच प्लेयर इज माय फ्रेंड हियर, हर एक, ईच का मतलब होता है हर एक प्लेयर यहाँ पे मेरा दोस्त है, हियर यानी यहाँ पे।
ईच पैकेट हैज अ चॉकलेट, ईच पैकेट माने हर एक पैकेट में चॉकलेट है, हैज अ चॉकलेट, चॉकलेट है। फिर एवरी यानी दो से ज्यादा में से हर एक, ईच और एवरी का माने एक ही होता है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम होता है। तो उनके कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे डाली हूँ। एवरी का एग्जाम्पल्स देखिए, एवरी बॉय इज माई फ्रेंड हियर, एवरी बॉय यहाँ पे भी वही मतलब है, हर एक लड़का मेरा दोस्त है। एवरी पैकेट हैज अ चॉकलेट, हर एक पैकेट में चॉकलेट है। चलिए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। एवरी वन एवरीबडी मतलब हर कोई, एवरीबडी इज प्लेइंग इन द पार्क, हर कोई पार्क में खेल रहा है। एवरी वन इज सिंगिंग एक्सेप्ट यू, हर कोई गाना गा रहा है सिवाय तुम्हारे। फिर है एवरीथिंग मतलब हर चीज, इनके एग्जाम्पल्स देखिए, एवरीथिंग हियर इज ब्यूटीफुल, हर चीज यहाँ पे खूबसूरत है। एवरीथिंग यू हैव इज माइन, एवरीथिंग यू हैव इज माइन, जो भी तुम्हारा है, जो भी तुम्हारे पास है, एवरीथिंग यू हैव जो भी तुम्हारे पास है वो हर चीज मेरी है, माइन यानी मेरी खुद की। तो जो भी तुम्हारे पास है वो सब चीज, वो हर चीज मेरे पास है। समवन और समबडी इसका मतलब होता है कोई। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पे है। आई हैव समवन हु हेल्प्स मी, मेरे पास कोई है जो मेरी मदद करता है। Who helps me, जो मेरी मदद करता है। फिर examples देखिए, anybody और anyone यानी कोई। Is anyone at the door? Question mark है यहाँ पे। Is anyone in the door? जब कोई दरवाजे पे खड़ा होता है, आके knock करता है आपके door पे, तो आप क्या पूछते हो? Is anyone at the door? कोई है वहाँ दरवाजे पे। आई डोंट हैव एनी वन हु हेल्प्स मी, मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। आई डोंट हैव मेरे पास कोई नहीं है, कोई नहीं, एनी वन यानी कोई, तो डोंट हैव मेरे पास कोई नहीं है जो मेरी मदद करे। समथिंग यानी कुछ, समथिंग इज मिसिंग हियर, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे कुछ अधूरा सा है, यहाँ पे कुछ, कुछ यानी समथिंग, तो यहाँ पे कुछ अधूरा सा है। आई हैव समथिंग टू ईट, मेरे पास कुछ है खाने के लिए। आई हैव मेरे पास कुछ यानी समथिंग, खाना टू ईट खाने के लिए। फिर देखिए एनीथिंग यानी कुछ, समथिंग मीन्स कुछ, एनीथिंग का भी मतलब है कुछ, तो आप यहाँ कुछ भी चलेगा, कोई सेंटेंस में आप एनीथिंग भी बोल सकते हो या समथिंग, लेकिन जब सेंटेंस बनता है तो कहीं कहीं पे इनका जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इज एनीथिंग मिसिंग हियर, क्या यहाँ पे कुछ मिसिंग है। आई डोंट हैव एनीथिंग टू इट, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कुछ का मतलब यहाँ भी एनीथिंग, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। फिर देखिए नथिंग यानी कुछ नहीं, नथिंग का मतलब है कुछ नहीं। नथिंग इज बोरिंग हियर, यहाँ पे बोर होने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, इसका भी वही मीनिंग है, मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। फिर देखते हैं कुछ एग्जांपल्स प्लूरल प्रोनाउंस पे। बोथ यानी दोनों, बोथ हैव कार्स, दोनों के पास कार है, गाड़ी है।
बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स, दोनों तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हो. बोथ हैव, बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड्स, तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र हो. फिर है फ्यू यानी कुछ. फ्यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. वेटिंग यानी प्रतीक्षा. फ्यू गर्ल्स आर टॉकिंग इन द पार्क. कुछ लड़कियां पार्क में बातें कर रही हैं. फिर है मेनी यानी कई. मेनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन. मेनी मतलब बहुत सारे. तो मेनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन मतलब बहुत सारे लोग ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. पहले हमने क्या सुना, क्या पढ़ा? फ्यू आर वेटिंग, कुछ लोग. फिर मेनी का जो एग्जाम्पल है उसमें है मेनी यानी मेनी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, बहुत लोग ट्रेन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं. मेनी गर्ल्स वेर टॉकिंग इन द पार्क. बहुत सारे लड़कियां पार्क में बातें कर रही हैं. मेनी का मतलब कई सारी लड़कियां पार्क में बातें कर रही हैं. चलिए मूव करते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स पे. अदर्स यानी दूसरे. जब एक से ज़्यादा हो तब हम अदर्स बोलते हैं. जैसे देखिए, अदर्स हैव नो आइडिया अबाउट दिस मैटर. दूसरे के पास इस मैटर के ऊपर कोई आइडिया नहीं है. दूसरे के पास इस मैटर के ऊपर कोई सुझाव नहीं है या आइडिया नहीं है. ही इज सेइंग यस, अदर्स आर सेइंग नो. वो ही यानी सिंगुलर, एक ही लड़का जिसकी बात हो रही है. ही इज सेइंग यस, वह बोल रहा है या कह रहा है यस, बट अदर्स आर सेइंग नो. लेकिन दूसरे सभी व्यक्ति कह रहे हैं नहीं. वह कह रहा है हाँ और दूसरे लोग कह रहे हैं नो. होप आपको समझ में आ रहा है सारे एग्जांपल्स. फिर अगला एग्जांपल देखिए. फ्यू सेवरल, मेनी न्यूमरस. सभी, ये जो सेवरल मेनी न्यूमरस का मतलब है कई और फ्यू का मतलब है कुछ. तो हम अगर फ्यू से शुरू करते हैं, फ्यू मतलब कुछ, थोड़ा सा. फिर सेवरल, उससे थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा. फिर मेनी यानी बहुत सारा. एंड लास्ट जो है न्यूमरस का मतलब है, न्यूमरस का मतलब है ढेरों, बहुत सारे, है ना. तो जिनको मैथ्स के बारे में पता है, मतलब मैथमेटिक्स में जो आप पढ़े हो उसमें तो पता ही है कि स्मॉलर से ग्रेटर, है ना, ग्रेट स्मॉल टू ग्रेटर, इंक्रीज टू डिक्रीज. तो यहाँ पे भी उसी तरह से मैंने लिखा है. फ्यू यानी थोड़ा सा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा. तो उसमें मैंने साइन डाला है छोटे से बड़े का, स्मॉलर टू ग्रेटर. फिर इनके एग्जाम्पल्स है, आई हैव विजिटेड सिटीज इन माई लाइफ. यहाँ पे आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो. या तो आप लिख सकते हो फ्यू, ये तो यहाँ इसका मतलब हो जाएगा फ्यू मतलब आई हैव विजिटेड फ्यू सिटीज इन माई लाइफ. मैंने कुछ ही शहर देखा है अपनी लाइफ में. या लिख सकते हो आई हैव विजिटेड सेवरल सिटीज इन माई लाइफ. मैंने कई शहरों को देखा है अपनी लाइफ में. या आप लिख सकते हो आई हैव विजिटेड मेनी सिटीज इन माई लाइफ. मैंने बहुत सारे शहर देखे हैं अपनी लाइफ में या जिंदगी में, जो भी आप बोलोगे. या आप लिख सकते हो द फोर्थ वन, आई हैव विजिटेड न्यूमरस सिटीज इन माई लाइफ. आपने अनगिनत शहरें देखे हुए हैं, तब आप लिखो, बोल सकते हो आई हैव विजिटेड न्यूमरस सिटीज इन माई लाइफ. बहुत सारे, ढेरों, 100, 200, है ना.
फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं. पीपल अटेंड माई ब्रदर्स वेडिंग. यहाँ पे भी आप बोल सकते हो फ्यू पीपल अटेंडेड माई ब्रदर्स वेडिंग, या सेवरल पीपल अटेंडेड माई ब्रदर्स वेडिंग, मेनी बहुत सारे लोग अटेंड किए हैं मेरी भाई की शादी को, शादी में, या न्यूमरस, है ना. तो आप इन चारों में से कुछ भी लिख सकते हो, बट जो फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़ा सा, सेवरल उससे ज़्यादा, मेनी उससे भी ज़्यादा, और न्यूमरस यानी अनगिनत. इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना. चलिए फिर मूव करते हैं अगले एग्जाम्पल्स में, जिनका एग्जाम्पल्स है सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस के ऊपर. ऑल यानी सब, है ना. ऑल इज वेल, सब सही है. ऑल आर वेल. ऑल इज माइन ओनली. ऑल इज माइन ओनली. ये सब कुछ मेरा है, ये सब मेरा है. ऑल आर वेटिंग फॉर मी. सभी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं. फिर एग्जाम्पल है सम यानी कुछ या थोड़ा. सम का भी मतलब कुछ, फ्यू का भी मतलब कुछ. तो सम से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. सम पीपल आर कमिंग. कुछ लोग आ रहे हैं. सम पीपल आर कमिंग. सम वाटर इज रिक्वायर्ड. सम वाटर इज रिक्वायर्ड. कुछ पानी की ज़रूरत है, थोड़ा पानी की ज़रूरत है. तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख दीजिए, वाटर जो कि हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमने इज का यूज़ किया, है ना, सिंगुलर. इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, जो काउंटेबल नाउन होता है उनके साथ आर का यूज़ हो रहा है. जैसे सम पीपल आर कमिंग. पीपल यानी बहुत सारे, है ना, जो हम काउंट कर सकते हैं. फिर है सम आर डांसिंग एंड सम आर सिंगिंग. तो कुछ लोग डांस कर रहे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं. तो यहाँ भी काउंटेबल नाउन है, यहाँ भी हमने आर का यूज़ किया है. फिर लास्ट एग्जांपल है सम मनी इज सेव्ड फॉर माय स्टडी. कुछ पैसे मेरे पढ़ाई के लिए बचाए हुए हैं. सम मनी इज सेव्ड फॉर माय स्टडी. तो यहाँ मनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उससे साथ हमने इज का यूज़ किया. ओके, इन कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना. अगला है नन यानी कोई नहीं. नन इज वेल. कोई स्वस्थ नहीं है, कोई अच्छा नहीं है. नन इज वेल. नन आर वेटिंग फॉर यू. कोई इंतजार नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए. नन इज वेटिंग फॉर मी. मेरे लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा है. कोई नहीं मेरे लिए इंतजार कर रहा है. नन इज सिटिंग इन द क्लास. कोई नहीं बैठा है क्लास में. नन आर सिटिंग इन द क्लास. कोई नहीं बैठा है क्लास में. फिर है मोर यानी ज़्यादा. मोर पीपल आर कमिंग. यहाँ भी वही है, पीपल जो कि काउंटेबल है, तो इसके साथ आर. मोर वाटर इज रिक्वायर्ड. पानी जो कि अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ इज. ज़्यादा पानी की ज़रूरत है. मोर आर डांसिंग एंड सम आर सिटिंग. ज़्यादा डांस कर रहे हैं और सम यानी कुछ लोग, कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं. तो ये यहाँ भी काउंटेबल है और यहाँ भी आर का यूज़ हुआ है. मोर मनी इज सेव्ड फॉर माय स्टडी. ज़्यादा पैसे बचाए हुए हैं मेरे पढ़ाई के लिए. मुझे उम्मीद है कुछ आइडिया तो आपको मिला है कि थर्ड पर्सन के
सिंगुलर प्रोनाउन है ये, या फिर थर्ड पर्सन के प्लूरल प्रोनाउन है ये। और कुछ ऐसे प्रोनाउन हैं वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों की तरफ यूज किया जाता है। तो गाइस आज के लिए इतना तक ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।